हिंदी सिनेमा में पुराने एक्ट्रेस की जब भी बात होगी वहां पर नरगिस का नाम जरूर लिया जाएगा, चाहे उनकी सादगी हो, चाहे उनकी एक्टिंग हो, चाहे उनकी खूबसूरती हो। लोगों ने नरगिस को हाथों हाथ लिया और उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कभी ना कभी हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं। आज एक किस्से के बारे में शेयर करूंगा जो उनकी बेटी नम्रता दत्त ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। आपको तो पता ही होगा कि नरगिस काफी शानदार एक्ट्रेस थे। उन्होंने तला से हक के साथ अपनी कैरियर की शुरुआत की और उनकी फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। ये भारत की तरफ से एंट्री थी, लेकिन उसे ऑस्कर तो नहीं मिला, लेकिन एक नाम जुड़ गया नरगिस का मदर इंडिया के साथ कि एक महान फिल्म थी और इस महान फिल्म में उन्होंने एक महान माँ की भूमिका निभाई थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अपने से उम्र में छोटे सुनील दत्त के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब नरगिस के पीछे लोगों की भीड़ पड़ गई थी। कैसे हुआ, क्या हुआ, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। नरगिस की बड़ी बेटी नम्रता दत्त ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी मदर के साथ वे लोग एक बार शॉपिंग करने गए थे। उनके साथ उनकी कोई पड़ोसन थी या सहेली थी जिन्हें वे इंदिरा आंटी कहते थे। ये लोग एक मॉल पर गए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग के दौरान कभी कभी होता है कि भीड़ में कहीं कोई ना कोई खो जाता है, और ऐसा ही हुआ। इंदिरा आंटी इन लोगों से बिछड़ गई, और जब बिछड़ गई तो इंदिरा आंटी अब हर शॉप में जाती थी और वहां पूछती थी उस दुकानदार से कि क्या आपने नरगिस को देखा है। इस तरह से कई दुकानों में वो पूछती रही। इससे हुआ ये कि वहां पर सारे दुकानदार को और सारे लोगों को पता चल गया कि नरगिस आई हुई है। फिर क्या था, वहां पर पूरी खलबली मच गई कि एक्ट्रेस नरगिस इस मॉल में आई हुई है, और धीरे धीरे लोगों की नजर नरगिस पर भी पड़ गई। अब पूरी भीड़ जो है नरगिस की ओर दौड़ पड़ी। तो खैर, नरगिस ने वहां पर खूब अच्छी तरह लोगों को हैंडल किया, क्योंकि नरगिस काफी स्मार्ट थी, वो काफी आम इंसान थी। नम्रता बताती है कि वो काफी आम इंसान की तरह थी। वो कभी भी अपने ग्लैमर को अपने रियल लाइफ में छाने नहीं देती थी, और बहुत ही आम औरत की तरह, आम नागरिक की तरह वो सड़क के किनारे किसी भी ठेले के पास खड़ी होकर पानी पूरी खा लेती थी। हालांकि उनकी भतीजियां बुरके पहनती थी, लेकिन वो कहती थी बुरके कौन पहनेगा। वो बहुत ही आम औरत थी और इतने वेल मेंटेन्ड थी, और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था इतना सुंदर था कि वो अपने हर काम को अच्छी तरीके से अंजाम देना जानती थी। अपने सुंदर कैरियर, इतने फलते फूलते कैरियर को जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले घर उसके बाद कैरियर, और अपने घर को सुंदर बनाने के लिए जुट गई। सुंदर कहने का भी प्राय है कि अच्छी लाइफ, एक शादीशुदा लाइफ बनाना। इसके लिए उन्हें खाना भी नहीं बनाने आता था, उन्होंने खाना बनाना सीखा। बच्चे हुए, बच्चों को अच्छी जिंदगी दी। तो इस तरह थी नरगिस जी। इनकी दोस्ती मीना कुमारी के साथ पूरी दुनिया जानती है, वो कितनी खूबसूरत अभिनेत्री थी। तो दोस्तों, ये थी नरगिस के बारे में एक छोटी सी घटना जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बकौल नम्रता दत्त ने जो इंटरव्यू के दौरान बताया। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके ये बताना ना भूले कि क्या नरगिस दत्त की आपने कौन सी फिल्म देखी है और वो क्यों पसंद है आपको। और इसी तरह खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।